व्हाट्सअप भाई मेरे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज का रिएक्शन वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मतलब आपने देखा कि मैं इंडिविजुअल एपिसोड जो हूँ वो ज्यादातर पॉपुलर रैपर्स के गानों के ऊपर बनाता हूँ, और अंडरग्राउंड रैपर्स के ऊपर एक लाइक बेस्ट अंडरग्राउंड रैपर या टॉप फाइव या वैसे कुछ करके बनाता हूँ। लेकिन आज मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ एक ऐसे अंडरग्राउंड रैपर के ऊपर जिसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आर्टिस्ट का नाम है नाज। सो रिसेंटली नाज की अभी नई भी लॉन्च हुई है, उसका नाम है ऑर्फन और पहला गाना आ गया है। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे नाज के ऊपर बहुत ज्यादा नाज है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये बंदे को अगर मोटिवेशन मिले, ढंग का एक्सपोजर मिले, तो ये बंदा उड़ा देगा सीन को। ठीक है, ये अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम में कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आई बिलीव इन हिज टैलेंट, आई बिलीव इन हिज स्किल। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑर्फन ईपी का फर्स्ट ट्रैक ऑर्फन आ गया, साथ में सुनते हैं देखते हैं उसमें क्या है। अगर तुम्हें गाना अच्छा लगे तो प्लीज नाज के ऊपर गाने के ऊपर जाके उसको प्यार दिखाना, कमेंट करना, है ना, लाइक करना, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, हिप हॉप हिट्स में शेयर करना प्लीज। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रो, अच्छे गाने को आगे लोगों तक पहुंचाने की। और हाँ, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये लव प्रमोशन है। मतलब मुझे नाज के टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा नाज है, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो साथ में रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, साथ में गाना सुनते हैं। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हाँ, सो 3, 2, 1 हियर वी गो। नास की एक चीज मैंने देखी भाई, भले ही अंडरग्राउंड है लेकिन वीडियो का लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। मोस्टली कैन फ्यूज इनके वीडियो बनाते हैं। इंट्रो कितना कितना ग्रैंड जा रहा है, एपिक जा रहा है, डायरेक्टेड बाय कैन फ्यूज। माँ बाप चले गए, अब अपनी चाची के सर पर बोझ बनकर बैठा है ये। ऐसे लोगों का भविष्य कुछ नहीं रहता। कैसे गाने बनाता है ये, एकदम वाहियत लड़का है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि नाज के पेरेंट्स नहीं है, गाना सुन के तो ऐसे ही लग रहा है, बट बहुत ही इंटेंस टॉपिक। लावारिस साला, एक सेकंड पहली लाइन सुनो। गहरों की धूप थी मुझ पे ना थी अपनों की छत अपनों की छत्र छाया, तभी तो दिल को पता ना होती क्या फीलिंग से दिल बस धक धक आया, हार के गिर के उठ के जीत के खुद के फीट पे खुद मैं थप थप आया, दिल के टुकड़े जो गिर के टूट के मैं सिल के उन्हें ये वक्त लाया, जब तुम आके गोदी में जाके सोता था तभी तो मैं रात में कोने में जाके रोता था, कभी नाखून से जाके दीवार पे करो चा, कभी हाथ से अपने आप के मैं चाटे पर उसका सभी डांटे दबा सु, मैंने आप में दारू का सब भागने का, मैंने गम बांटने का सोचा, मुझे बाप ने छोड़ के दूर भागने का सोचा, हुआ पैदा और मेरा दुर्भाग्य ही वो था, जब बात करने जाता मेरे सॉन्ग्स की तू जान ले तब किया मैंने भी काफी है कंट्रीब्यूट, क्वारंटाइन हुआ बड़ा बॉडी में डेविल पर देने वाले मुझे कल वॉच ट्रिब्यूट, मुझे फक मैन वाओ मैन, व्हाट स्टोरी टेलिंग मैन। ओके क्वारंटाइन हुआ पड़ा बॉडी में डेविल सभी डाके दबा सु, मैंने आप में दारू का सब भागने का, मैंने गम बांटने का सोचा, मुझे बाप ने छोड़ के दूर भागने का सोचा, हुआ पैदा और मेरा दुर्भाग्य ही वो था, जब बात करने जाता हुआ पैदा और मेरा दुर्भाग्य ही वो था, मतलब पैदा होने। ओ मैन, नाज एक बहुत ज्यादा रियल आर्टिस्ट है ब्रो। मतलब मैंने जितना ज्यादा ओपनली अपनी लाइफ के बारे में और अपने बारे में नाज को अपने गानों में बताते देखा, मैंने किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा। मतलब मैं यंग सनर्स को बोलता हूँ, मैंने उनको देखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे भी ज्यादा ओपनली अपनी लाइफ की रियलिटी बताते हैं गानों में, जो बहुत ज्यादा हार्ड हिट करती है। मेरे सॉन्ग्स की तू जान ले तब किया मैंने भी काफी है कंट्रीब्यूट, क्वारंटाइन हुआ बड़ा बॉडी में डेविल पर देने वाले मुझे कल गॉड्स ट्रिब्यूट, मुझे ओके वाक ट्रिब्यूट, क्वारंटाइन हुआ बड़ा बॉडी में डेविल पर देने वाले मुझे कल गॉड्स ट्रिब्यूट, पर देने वाले मुझे कल गॉड्स ट्रिब्यूट। नाइस मैन, मेरे अंदर डेविल है लेकिन कल भगवान मुझे ट्रिब्यूट देंगे। नाइस मैन, ट्रिब्यूट मुझे लगा था मैं खुद पे सवाल पर, मैं सबका जवाब जैसे नंबर 42, मुझे कल गॉड्स ट्रिब्यूट, मुझे लगा था मैं खुद पे सवाल पर, मैं सबका जवाब जैसे नंबर 42, ये मुझे रेफरेंस नहीं पता ब्रो, ये क्या कट गया इस नाटक का नाक, cuz you slept on me just my prostitute।
यही बोलना था ना, ये इतना ज्यादा दिस गाय हैज गॉट समथिंग मैन, वो तुम्हारे अंदर के इमोशन को जगाता है, ठीक है। दे स्लेप्ट ऑन मी लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। टू कट्टा गया इस नाटक ना, cuz you slept on me just my prostitute। नंबर 42 कट्टा गया इस नाटक का, कटता गया जनात का नाक, मेरी रिस्पेक्ट जाती गई, cuz this slept on me just my boss, this slept on me, this slept on my song, this slept on my music, है ना, जैसे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, fuck man, like process, fuck man, और मेरी कोई यहाँ मौत अरमाना, माँ के कोक में जीते जी मुझे भाई बाया था अबॉर्शन वाला, अंधेरे को मैंने करवाया, माँ के कोक में जीते जी मुझे भाई बाया था अबॉर्शन वाला, माँ की कोक से ही शिट मैन, शिट मैन, वे यार उस टाइम से मैं ये सब फील कर रहा हूँ मैं, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लोग कहते हैं ना जब से मैं पैदा हुआ हूँ, यहाँ भाई बोले मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं माँ की कोक में था तब मुझे अबॉर्शन वाली फील आ रही थी, मेरी लाइफ में मैं नहीं बच पा रहा, फक यू मैन, अंधेरे को मैंने कर रोशन डाला, खुद को मैंने यहाँ पे बहुत संभाला, कलेजा काटा लोगों ने मुझे भाई भाया पोस्टमार्टम वाला, बहुत संभाला कलेजा काटा लोगों ने मुझे भाई भाया पोस्टमार्टम वाला, हाँ मैं जीते जीते पोस्टमार्टम वाली भाई भाई, मुझे भाई मतलब इमोशंस होते हैं यार इस बंदे, पकड़ के चलना सिखाए मुझे मिला नहीं ऐसा फरिश्ता, सोचा मैंने मेरा कोई नहीं, उंगली पकड़ के चलना सिखाए मुझे मिला नहीं ऐसा फरिश्ता, कौन होते हैं उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ बाप है ना, माँ बाप है ही नहीं ना लाइफ में, उंगली पकड़ के चलना सिखाए मुझे मिला नहीं ऐसा फरिश्ता, सोचा मैंने मेरा कोई नहीं तो ऊपर वाला दिखाएगा करिश्मा, बर्बाद तागी मेरे ध्यान में के ऊपर वाला भी मेरा हर गीज ना, मेरे दर्द भूला ऐसी दवा ना जी मुझे बनाया ऐसा मरीज था, मैं चाहता तो लाइने खींचता पर चूना मैं लाइने लिखना, जिंदा लाश की तरह मैं जीता रहता नहीं था कुछ भी मायने, इतना मुझसे बचाने किसका रिश्ता, सूरज को दिखाने चला मैं सिसका, वन ऑफ द बेस्ट बनने की है खुजली, बचाने किसका रिश्ता, सूरज को दिखाने चला मैं सिसका, सूरज को दिखाने चला मैं सिसका, आई डोंट नो मैन, ये सिसका देखो मैं गलत रेफरेंस नहीं बोलूंगा, पूरी लाइन की ऐसी ऐसी हो जाएगी, बट सिसका कंपनी वाला वो ओके, वन ऑफ द बेस्ट बनने की है खुजली, मुझ पे काम नहीं करते ये एज कार्ड, मैं बोलते ना क्या खुजली क्या है, तो मेरे अंदर ये सब चीजें मरहम ये जुगाड़ ये सब नहीं काम करते, ये खुजली तो रही है मेरे अंदर और रहेगी, दफना दे मुझे, अनाथ हो गया हूँ, तू अपना ले मुझे, छत हटा है जो तो I'm just so proud of this guy. I'm so so proud of this guy. Man. Independent artist है mostly है. मुझे तो नहीं लगता किसी भी label के अंदर हैं. ठीक है. और क्या गाना निकाला है? क्या गाना निकाला है? क्या video निकाला है? हाँ कोई label तो है नहीं. जो कर रहे हैं अकेले ही कर रहे हैं. बहुत सही भाई. बहुत सही. I am proud of you Naz भाई. बस ऐसे ही गाना निकालते रहो. जनता अगर ऐसे गानों को भी support नहीं करा तो fuck everything man. ठीक है. प्लीज मैन प्लीज ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ ढूंढ के अपने को सपोर्ट करना है, क्या टाइट गाना था, क्या स्टोरी टेलिंग रेफरेंसेस ऐसे दिए हैं कि वो तुम्हें अंदर तक फील होंगे, ठीक है, मतलब इमोशंस इतने तगड़े कन्वे करे मेरे भाई ने कि यार कोई भी अगर बंदा जिसके माँ बाप नहीं है ना, जो ऑर्फन है, वो ये गाना सुनेगा ना भाई बहुत इमोशनल हो जाएगा, बहुत इमोशनल हो जाएगा, भगवान की दया से मेरे माँ बाप फैंस दुनिया में था, लेकिन मेरे डैड की मॉम नहीं, मेरे डैड जब बहुत यंग थे तो उनकी मॉम की डेथ हो गई थी,
तो मेरे डैड का वो जो पेन है वो मैं आज तक फील करता हूँ जब वो अपने मॉम की बात करते हैं, या फिर वो जब भी जो अपने लाइफ में जो बुरी चीजें हुई थी जब वो बताते हैं कि यंग एज में यार कोई माँ तो थी नहीं मेरी। शिवा सही है यार, बहुत सही नाज है, बहुत सही रिस्पेक्ट, मैड रिस्पेक्ट की बात। ऑर्फिन ईपी का फर्स्ट सॉन्ग है, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से प्लीज इस ईपी को जितना सपोर्ट कर पाओ करना, ठीक है, जितने इसके गाने फैला पाओ फैलाना, नास को जितना सपोर्ट कर पाओ करो ब्रो, वरना ये आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वी कांट स्लीप ऑन हिम, भाई ने गाने में भी लाइन बोल दिया, ठीक है, अब तो अपने हमारे अंदर का जाग जाना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज इसको सपोर्ट करो, आई रिक्वेस्ट ऑल द हिप हॉप पेजेस ऑफ इंस्टाग्राम, ऑल द मीम पेजेस ऑफ इंस्टाग्राम, है ना, ऑल द न्यूज पेजेस, हिप हॉप न्यूज पेजेस ऑफ इंस्टाग्राम की भाई इसको फैलाओ प्लीज। हिप हॉप न्यूज वाले मेरे भाई लोग प्लीज इस गाने के बारे में लोगों को बताओ कि नास का नया गाना आ गया, ठीक है। आई रिक्वेस्ट ऑल द रिएक्शन चैनल्स कि जिनसे पॉसिबल वाइन हो या सबसे पॉसिबल नहीं होता, आज मेरे से हुआ, हो सकता मैं भी ना बना पाता लेकिन आज मेरे था लाइक हो पाया, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसका रिएक्शन वीडियो भाई बनाओ यार, ठीक है, लाइक ये बंदे को अपने को आगे लेके जाना ही जाना है यार, ठीक है। नाज रिस्पेक्ट यू भाई, ठीक है, ऐसे गाने ड्रॉप करते रहो, वी ऑल आर विद यू, है ना। बस नाज का पहला गाना ऑर्फिन, ईपी का नाम ऑर्फिन, टाइटल ट्रैक बहुत सही। हाँ आई एम सॉरी, मैंने अभी तक कुछ बातें और नहीं करी, ठीक है, किसकी बात नहीं करी मैंने, ऑडियो क्रैक है, बहुत ही सही म्यूजिक और बहुत ही बढ़िया मिक्स मास्टर करा हुआ। देखो नास की आवाज अलग है, आई नो नास की आवाज अलग साउंड करती है, और उसमें तुमने इतना बढ़िया मिक्स करा कि वो रैप में भी और सिंगिंग में भी अच्छा साउंड कर रहा था, डिफरेंट साउंड। देखो जितने डिफरेंट आवाज होगी उसको मिक्स करना उतना ही डिफिकल्ट होता जाता है, ठीक है, लेकिन भाई बहुत अच्छा मिक्स करा। कन्फ्यूज बहुत अच्छा वीडियो, ठीक है, कुछ शॉट्स बहुत अच्छे थे, बढ़िया शॉट्स थे, ठीक है, लाइक जो भी विजुअल इफेक्ट्स भी थे वो भी काफी रियल लग रहे थे, और आई नो ब्रो बजट था ही नहीं ना, बजट तो होता ही नहीं है ना, अंडरग्राउंड के पास बजट नहीं होता, और उसमें ऐसा काम डिलीवर करना, मैड रिस्पेक्ट टू द टीम, मैड रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन हु इज हु वाज इन्वॉल्वड इन द मेकिंग ऑफ द सॉन्ग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा तुमको, बढ़िया लगा जाके नास को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे भाई, मेरे को भले इस वीडियो देख के सब्सक्राइब ना करना लेकिन नास के चैनल पर जाके उसको जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना, वीडियो पर लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। तो भाइयों बहनों इस वीडियो पसंद नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा, टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सस्ते संगीत बचा कर रखिए, एंड हैशटैग म्यूजिक सुनो म्यूजिक को जाओ फॉलो करिए। अब फेक